तो आज है हमारे पांच वाले बच्चों का आखिरी दिन, ठीक है। तो इसी मौके पे थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट है ये, क्योंकि इसके बाद ये बच्चे नई नई क्लासेस में पहुंच जाएंगे, और इसीलिए हम सोच रहे हैं कि पांच वाले बच्चों से इतना जब तक ये स्कूल में आए, जब से स्कूल में आए, तो अपने अपने कुछ विचार, अपने कुछ थॉट हमारे साथ शेयर करें। जब तुम लोग इसे स्कूल से निकल जाओगे तो तुम लोग क्या क्या चीज़ें इस स्कूल के बारे में याद करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं निशा से। खड़ी हो जाओ निशा। हाँ जी, सबसे पहले हम अपने स्कूल को याद करेंगे, अपने टीचरों को, अपने दोस्तों को, और जो हमारी टीचर पढ़ाती है अच्छा अच्छा उसको, और पढ़ाती है उसको, और वो अच्छा अच्छा हमको सिखाती हैं और करवाती है हमसे कुछ अच्छा अच्छा, और जो पढ़ाती हैं उसको याद करेंगे, और जो हमारी क्लास के बच्चे हैं और हमारे दोस्त हैं उनको, और जो हमारे नए नए स्कूलों में सर आते हैं, मैम आती हैं, जो हमको नया नया पढ़ाती हैं उसको याद करेंगे, और जो हमारी मैम नया नया हम पे कुछ काम करवाती हैं पढ़ाई लिखाई, और उसको याद करेंगे। और तुम्हें ऐसा क्या लगता है जब तुम नए स्कूल में जाओगे तो तुम्हें ये चीज नहीं मिलेगी इस स्कूल के अलावा? नहीं मिलेगी। खेलना। अच्छा, नए स्कूल में खेलनी होगा? नहीं, जो एक्टिविटीज वगैरह। अच्छा ठीक है। और दोस्त नहीं मिलेंगे? हाँ, ये वाले दोस्त नहीं हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे दोस्त। मैम भी नहीं चेंज, मैम चेंज हो जाएगी। सही बोल रहे हो, बिल्कुल। वेरी गुड, बैठ जाओ। इसके बाद अंशु तुम खड़ी हो जाओ। अंशु तुम बताओ, स्कूल को याद करेंगे? मैम को याद करोगे, ठीक है। अच्छा, और चारों मैम को याद करोगे। अच्छा, और क्लास को याद करोगे, दोस्तों को याद करोगे। वेरी गुड, जाओ वेरी गुड। इसके बाद शिवम तुम खड़े हो जाओ। शिवम तुम बताओ, तुम क्या क्या चीज याद करोगे? मैं करेंगे पूरे स्कूल को। तुम तो शायद शुरुआत से पढ़ रहे हो ना, फर्स्ट क्लास से, जब इतने से थे जब से पढ़ रहे हो? हाँ ठीक है, बताओ। पेड़ों को याद करेंगे। पेड़ों को याद करोगे। मैं दोस्तों को याद करेंगे। दोस्तों को याद करो। सबसे ज्यादा कौन से दोस्त को याद करोगे? सबको, ठीक है। और मैमन को याद करोगे। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई तो नए स्कूल में भी होगी भाई, वो याद नहीं करोगे पढ़ाई लिखाई तो? अच्छा, एक्टिविटीज, ठीक है। और चलो बहुत बढ़िया। इसके बद तुम खड़े हो जाओ। आरिश तुम क्या क्या याद करोगे? आरिश बताओ, स्कूल को याद करोगे, ठीक है। और दोस्तों को याद करोगे, ठीक है। और मैम को याद करोगे। बैठ जाओ। इसके बाद कन्हैया तुम बताओ, तुम क्या क्या चीज याद करोगे? पहले तो स्कूल को याद करेंगे। स्कूल को याद करोगे, फिर टीचर को याद करेंगे। टीचर, तुम्हें तो हंसी आ रही है, तुम याद कब करोगे? और बताओ, ठीक है। कोई नहीं, बैठ जाओ। शेखर तुम बताओ, तुम क्या क्या याद करोगे? पहले पूरे स्कूल याद करेंगे। हाँ, चारों टीचरों को याद करेंगे। मैम जो हमने पेड़ लगाया उन्हें याद करेंगे। अच्छा, जो तुमने पेड़ लगाया। हाँ, बहुत पेड़ लगाए तुमने भी। और अपने दोस्तों को याद करेंगे। अपने दोस्तों को याद करोगे। और क्या याद करोगे? बताओ,
और कुछ याद करोगे? चलो इसके बाद विमलेश तुम बताओ, पूरी क्लास को याद करोगे, टीचर्स को याद करोगे? अच्छा, और क्या याद करोगे? अपने दोस्तों को याद करोगे, सही है, बैठ जाओ। इसके बाद सोनू तुम बताओ। मैं पहले तो मैम चारों टीचरों ने याद करेंगे, और मैम क्लास को याद करेंगे, और मैम छोटे छोटे बच्चों को याद करेंगे, और मैम हमने पेड़ पौधे लगाए मैम उन्हें याद करेंगे, और मैम पढ़ाई लिखाई याद करेंगे, और मैम तुम आप करवाती हुई एक्टिविटी मैम उन्हें याद करेंगे। और कुछ जो तुम्हें लगता है दूसरे स्कूल में तुम्हें नहीं मिलेगा? मैम दूसरे स्कूल में जाऊंगी मैम, मैं ऐसी एक्टिविटी करवाते मैम, ऐसी एक्टिविटी ना होंगी। अच्छा, और ऐसे खेलना होंगे? ऐसे खेलना ही होंगे, नए खेल होंगे, और मैम ऐसी पढ़ाई ना होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नई पढ़ाई तो वहाँ पे भी होगी। दूसरी पढ़ाई होगी वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे दूसरी पढ़ाई होगी। और क्या नहीं मिलेगा वहाँ पे तुम्हें? दोस्त? हाँ, नए दोस्त मिलेंगे, ये तो है, ये वाले दोस्त नहीं मिलेंगे। और नहीं मैम मिलेंगे, कोई बात नहीं, चलो बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। चलो अब जैसे बच्चों ने बताया कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें मिस करेंगे, ऐसे ही जितने भी सारे बच्चे हैं, ये पांच के, वैसे भी आज बहुत कम बच्चे आए पांच, तो मैं भी सारे बच्चों को बहुत मिस करूंगी, सब बच्चे निकल जाएंगे, इसके बाद ये नई नई क्लासेस में पहुंचेंगे, तो इनकी जैसे अभी पीछे आरिश हरकतें कर रहा है, तो ऐसी आरिश वाली हरकतें याद करूंगी, ठीक है, शिवम को याद करूंगी, ऋषा को याद करूंगी, अंशु को, कन्हैया को, शेखर को, शेखर जाता क्लास को मॉनिटर कराता था, निशा भी क्लास को मॉनिटर कराती थी, सोनू, ये सब बच्चों को बहुत याद करूंगी, विमलेश को भी, सब में एक अलग अलग खूबी है, तो सभी बच्चे एक अलग अलग ही स्पेशल है, तो मैं सभी बच्चों को बहुत याद करूंगी। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी कैसी भी जरूरत होती है तो आप स्कूल में आके मेरे से मिल सकते हो और बात कर सकते हो, ठीक है बच्चों? यस मैम। चलो।